नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। और ये खबर ऐसी है जो सुनने के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि गुनाहगार भी कभी ऐसा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले में लगातार जिस प्रकार से अपडेट्स आते हैं और जिस प्रकार से गतिविधियाँ चल रही हैं, वो ऐसा साफ दिख रहा है कि अब केस को ख़त्म करने की पूरी तैयारी हो रही है। तो आइए चलिए मैं आपको आज की जो बात है वो स्टार्ट करता हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को निधन का लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। और बीच बीच में कुछ ऐसी सूचनाएँ हैं जो कि सुनने के बाद मन को बहुत ही दुख पहुँचता है और बहुत ही एक शर्मनाक चीज़ भी है। अब जो खबर आ रही है कि सुशांत का खुद को दोस्त कहता था संदीप सिंह के बारे में परिवार खुद कह चुका है कि ये पिछले 1 साल से सुशांत से नहीं मिला। और ये बातें संदीप ने भी खुद कहा है कि उसकी कोई 1 साल से मुलाकात नहीं है। तो ये कैसी दोस्ती है? दोस्त तो लगभग हर दिन मिलते हैं या हफ्ते में मिल लेते हैं, 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में कुछ ना कुछ समय में मिलते रहते हैं, लेकिन 1 साल से मुलाकात नहीं हुई। तो ये बातें जब खबर चली टीवी चैनल्स पे सुशांत सिंह के निधन के बाद, लगातार संदीप सिंह के बारे में बात होती रही। और जब ये बातें लगातार होती रही संदीप सिंह के बारे में, सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल पे बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए, बहुत सारे चीज़ों पे बात हुई, लेकिन जो सूचना है उसके मुताबिक संदीप सिंह ने रिपब्लिक चैनल के मालिक अर्णव गोस्वामी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ये वही अर्णव गोस्वामी है जिनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में किस प्रकार से कंटिन्यू लगभग 3-4 महीने अपने टीवी चैनल पर आवाज़ उठाई और एक एक सबूत ला करके दुनिया के सामने रखा। और उसी अर्णव गोस्वामी के ऊपर संदीप सिंह ने 2000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। और संदीप सिंह का ये कहना है कि चैनल और अर्णव ने छवि धूमिल करने का काम किया है, जिसके लिए उसे मुआवजे के रूप में 2000 करोड़ और साथ ही साथ माफ़ी मांगे। सार्वजनिक रूप से उसने आरोप लगाया कि अर्णव ने उनके बारे में झूठी खबरें चैनल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। ये सारे आरोप संदीप सिंह ने लगाए हैं अर्णव गोस्वामी पर। अर्णव गोस्वामी के ऊपर जांच एजेंसियों ने भी कई बार पूछताछ की और मीडिया में लगातार संदीप सिंह का नाम आया। अब क्या संदीप सिंह जांच एजेंसियों पर भी मानहानि का मुकदमा करेंगे? क्या संदीप सिंह जो उनके बारे में बात करेगा उन सब पे मुकदमा करेंगे? ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है कि जब जिसका पलरा भारी हो रहा है वो अपना काम कर रहा है। अर्णव गोस्वामी ने जब बातें करनी चालू कर दी तो अर्णव गोस्वामी के ऊपर मुंबई की पुलिस टूट पड़ी और मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब संदीप सिंह ने अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चैनल पर मेरी छवि धूमिल करने वाली खबरें चलाई और उन्हें रोकने के लिए पैसे की मांग की। ये बड़ा आरोप है कि अर्णव गोस्वामी ने बोला कि पैसे दो तभी तुम्हारे बारे में खबरें नहीं चलेगी। अब इस बारे में जो FIR इन्होंने किया है संदीप सिंह ने अर्णव गोस्वामी पर, इस बारे में पूरी जानकारी संदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला है। अब ये देखने वाली बात है कि चैनल ने संदीप के बारे में गलत खबरें चलाई है या टीवी पर होने वाली बहस में जानबूझकर या सोशल मीडिया पर जानबूझकर लोग संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारी बातें मनगढ़ंत है, क्योंकि संदीप सिंह का नाम सुशांत सिंह के दोस्त के रूप में जब वो सामने आते हैं तो अगर आप दोस्त हैं तो आपको सफाई देना ही पड़ेगा, आपको ये बताना ही पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में क्या चल रहा था और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हादसा हुआ उसके जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं। शक की सुई तो संदीप सिंह पे लगातार पहले दिन से ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने है। कब तक बचेंगे, किससे बचेंगे, ये चीज़ें हर किसी को
जो भी नज़दीकी लोग थे वो शक के दायरे में हैं और उन्हें एजेंसी के सामने आ करके अपने बारे में क्लियर करना पड़ेगा और सुशांत सिंह के लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा और सुशांत सिंह के साथ किस किस ने क्या किया ये भी चीज़ें बताना पड़ेगा। छुप नहीं सकते क्योंकि आप तो रिपब्लिक चैनल पे मुकदमा कर देंगे तो क्या आप सीबीआई पे भी मुकदमा करेंगे? अगला अपडेट आप